मैनपुरी ओछा मार्ग स्थित गांव गडेरी के पास डीसीएम के हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से डीसीएम चालक 20 वर्षीय गोविंद की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बीती शाम लगभग करीब 9 बजे थाना कोतवाली क्षेत्र के गांव गडेरी के पास चालक गोविंद डीसीएम पैक कर रहा था, तभी डीसीएम हाई टेंशन लाइन से टकरा गई, जिससे चालक गोविंद की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा, तो वहीं सूचना मिलने से मृतक गोविंद के घर में हाहाकार मच गया। बताया जा रहा है कि गोविंद मूल रूप से जनपद एटा के पिलुआ थाना क्षेत्र के गांव ककरावली का रहने वाला था। फिलहाल पुलिस ने गोविंद का शव पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है। ये गाड़ी स्वीट ट्रक चला रहा था, उससे गाड़ी शायद बैक हो रही थी, तो वो तार के पोल नहीं दिखाई दिया, अचानक तार नहीं दिखाई दिया, उसमें टकरा गई, जाके टच हो गई, मतलब हल्की सी, उससे एक्सपायर हो गया। मैनपुरी से शिव कुमार, पब्लिक न्यूज़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।